वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि किसी के व्हाट्सएप के फिंगरप्रिंट को अनलॉक कैसे करें। कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स को मोबाइल लेते हैं इस्तेमाल करने के लिए या व्हाट्सएप यूज करने के लिए, तो वो अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक लगा कर रखता है, जिसके वजह से हम उसके व्हाट्सएप को यूज नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा कर भी रखा होगा तो आपको उससे लॉक खुलवाने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद से उसके व्हाट्सएप के फिंगरप्रिंट को अनलॉक कर सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड के अंदर में। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अगर पसंद है तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करना और हमारे टेक्निकल असूल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे यूट्यूब से रिलेटेड और टेक से रिलेटेड वीडियो हर रोज अपलोड करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज हमारा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, मैं बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे किसी फिंगरप्रिंट को, व्हाट्सएप फिंगरप्रिंट को अनलॉक करना है। फ्रेंड्स, मैं आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि कैसे व्हाट्सएप फिंगरप्रिंट को अनलॉक करना है। जैसे मेरे व्हाट्सएप में अगर फिंगरप्रिंट मेरे हाथ का लगा हुआ है तो आप नहीं खोल पाएंगे, लेकिन मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसके मदद से आप मेरे व्हाट्सएप फिंगरप्रिंट को आप अपने हाथ से अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए, मैं बिना देर करते हुए आपको सबसे पहले दिखा दे कि मेरे व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक है। तो इसको ओपन किए और आपको बता देते हैं कि मेरे व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट है। देखिए, मैं फिंगर को अनलॉक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे व्हाट्सएप अनलॉक हो गया। अब चलिए, मैं व्हाट्सएप से बैक आते हैं और आपको बताते हैं किस तरह ये अनलॉक करना है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कोई एडिटिंग वीडियो नहीं रहता है, जो भी आपको मिलेगा रियल वीडियो मिलेगा। तो मैं सबसे पहले सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। चलिए, मैं नीचे स्लाइड ऊपर से स्लाइड किया और सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में आपको नीचे चलना है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ देखिए, आपको ये फिंगरप्रिंट का ऑप्शन होगा, इसमें मेरा पासवर्ड डाल देना है, जो डिस्प्ले पासवर्ड होगा वो डाल देना है। उसके बाद में आपको मैं बताते हैं, मैं अपना पासवर्ड डाल लिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए, मेरा पासवर्ड ओपन हो गया। उसके बाद में देखिए, इसको क्या करना है, फिंगरप्रिंट पर फिर से मैं बैक आ गया। देखिए, फिंगरप्रिंट वन, फिंगरप्रिंट टू, फिंगरप्रिंट थ्री, यानी मेरा तीन फिंगर का इसमें पासवर्ड लगा हुआ है। तो मैं सबको एक एक करके रिमूव कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आप एक फिंगर लगाए हैं तो एक आपके सामने शो करेगा, अगर तीन लगाए हैं तो तीन शो करेगा, या उससे भी ज़्यादा लगाए हैं तो ज़्यादा शो करेगा। तो मैं तीन लगाए हैं तो तीनों को एक एक करके रिमूव कर लेते हैं। उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे नीचे लिखा है रिमूव फिंगर, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे, एक रिमूव हो गया। फिर दूसरा का रिमूव इसी तरह करेंगे, इसको भी रिमूव कर दिया। फिर तीसरा का इसी तरह रिमूव करेंगे, ये भी रिमूव हो गया। फ्रेंड्स, तो चलिए मैं बैक आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि ये फिंगर व्हाट्सएप का रिमूव हुआ नहीं। तो चलिए, मैं बैक आ गया। उसके बाद फिर व्हाट्सएप को क्लिक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पूरी तरह से खुल जा रहा है, कोई फिंगर नहीं मांग रहा है व्हाट्सएप में। देखिए, फिर खुल गया। एक बार और मैं खोल के आपको बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई फिंगर नहीं मांग रहा है। तो ऐसे में अगर आप किसी का फ़ोन लेते हैं, उसके व्हाट्सएप में फिंगर प्रिंट है, तो आपको उससे खुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद से अनलॉक कर सकते हैं, जो सेटिंग मैं आपको बताया है इसी सेटिंग की मदद से। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे टेक्निकल असूल चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है तो सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, ताकि ये ट्रिक और भी फ्रेंड्स को पता लगे और वो किसी से हेल्प ना ले, खुद से अनलॉक कर सके फिंगरप्रिंट। तो चलिए, मैं मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।